हेलो नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ निखिल त्रिपाठी, योर रीजनिंग मेंटोर। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल कटारिया क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तभी तक अगर आवाज जा रही हो, वीडियोस क्लियर हो, तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिएगा ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, सो या सो वी कैन स्टार्ट द क्लास। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट किया है, दो क्लासेस, दो लेक्चर्स हो चुके हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, और आप सभी ने बढ़िया से परफॉर्मेंस भी दी है, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसको देख के ये लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और लगातार जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको वो करते भी हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो एंड स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दो हो चुके हैं, दोनों देखिए, और उसके बाद ये थर्ड लेक्चर पे आइए, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने चल रहे हैं। जो पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर किए हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट द क्लास? ओके, आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है, जल्दी से इसे सॉल्व करके आंसर बताइए। प्लीज कॉपी पेन लेके अगले आधे घंटे के लिए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट हाफ एन आवर आप बाकी सारे काम हटा के कॉपी पेन लेके फोकस्ड होके बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ते टाइम आप बाकी काम को ना करिए, अदरवाइज आपका दिमाग दो जगह पे रहेगा और आप दोनों चीजें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। राइट? ओके, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा। लास्ट क्लास में एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को कमेंट किया था, तो इसलिए मैंने पहले से यहां पे क्वेश्चन लिख रखा है। आप जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आया किसी बच्चे का आंसर? देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, M is to the east of D, F is to the south of D and K is to the west of F। अगर आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहां पे सभी को डायरेक्शन के हिसाब से रख सकते हैं और उनके बेसिस पे जो पूछा जा रहा है बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले बोला गया है M is to the east of D, किसका रेफरेंस दिया गया है? डी का रेफरेंस दिया गया है। अगला सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो फिर दिया गया है डी का ही रेफरेंस। तो बच्चों जो कॉमन रेफरेंस मिलता है सबसे पहले उसी को प्लॉट किया जाता है। इज दैट क्लियर? मैंने कहा जो कॉमन रेफरेंस मिलता है सबसे पहले आप उसको प्लॉट किया करिए। मान लीजिए मैंने डी को यहां कहीं प्लॉट कर दिया, ये रहा डी। अब आपको बोला गया है कि एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, अगर हम डी के ईस्ट में चलेंगे तो इधर आ जाएंगे। बहुत सही भाई, ईस्ट का मतलब इधर ही चलते थे। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो मैं जल्दी से इधर रिकॉल करा देता हूं। ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये ईस्ट होता था, ये वेस्ट होता था। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे भी डायरेक्शन चलती थी। क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या किसी का आंसर आया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बोला गया है F is to the south of D, D के south में चलना शुरू कीजिए आपको F मिल जाएगा। यहां भी ठीक है, बैठा दिया। K is to the west of F, अब तो आपको F मिल चुका है ना। अगर आपको F मिल चुका है तो क्या आप K के बारे में नहीं बता सकते? बताइए भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। F is to the K is to the west of F, के जो है एफ के वेस्ट में है, वेस्ट का मतलब इधर होता है, तो के आपने बना दिया इधर। फाइंड डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू के, के के रिस्पेक्ट में एफ की डायरेक्शन पूछा गया है। पहली बात तो ये क्वेश्चन इतना आसान था, ये क्वेश्चन इतना आसान था कि अगर आप एफ विथ रिस्पेक्ट टू के पूछा गया था तो आप केवल लास्ट वाला सेंटेंस फ्रेम कर लेते तो भी आपको आंसर मिल जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? लास्ट वाले सेंटेंस से ही आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि बोला गया था के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ। अगर के एफ के वेस्ट में है मतलब एफ उसके ऑपोजिट चलेगा, एफ का मतलब ईस्ट में हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, इधर ही आएंगे ना, एफ के ईस्ट में ही तो हुआ। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो बहुत बेसिक था। आई थिंक या तो बच्चे ने टाइप करने में कुछ मिस्टेक किया होगा या तो फिर कुछ कंफ्यूजन रही होगी, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ था नहीं।
आपने अगर लास्ट के सेंटेंस को ही फ्रेम करके क्वेश्चन किया होता तो भी आपका आ जाता। जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो और यहाँ पे एम के रिस्पेक्ट में पूछा गया हो, तब तो क्वेश्चन में कुछ कॉन्टेक्स्ट आता है। बट एनीवे, अगर ये था क्वेश्चन तब तो आसानी से हो गया था। बट अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि बताइए डायरेक्शन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एम, जल्दी से बताएंगे डायरेक्शन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एम, फास्ट। भाई के की डायरेक्शन बतानी है एम के रेस्पेक्ट में, एम से ऊपर जाना पड़ेगा के के लिए ना, बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब नॉर्थ में। और किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट में। नॉर्थ ऊपर फिर लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब किधर? वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती? नॉर्थ वेस्ट। था आसान, सभी का आंसर आ गया। क्लास में एक्टिव रहा करिए, जल्दी जल्दी आंसर लेके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, चीजें यहां से। चलिए, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ, ईस्ट होगा यहां पे, सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी लिखा होगा। हाँ, क्वेश्चन क्या था भाई? कुछ चीजें यहां पे मिस हुई हैं। सी इज टू द ईस्ट ऑफ को हटा दीजिए पहले। क्वेश्चन सही करवाते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या चीज मिस हुई है। ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ बी, ठीक है, सी ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ बी होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए आंसर क्या आएगा, फास्ट। ये सब इतने आसान क्वेश्चन है कि इनको आप तुरंत देखेंगे, तुरंत ही आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हैं, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बताइए। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए को रखा गया है, बी को अगर मैं यहां पे रखूं, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, कहां जाएगा ये? साउथ में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी किधर चलेगा? ईस्ट में चलेगा बी के, इसको भी बैठा दिया। डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, बताइए बताइए क्या था इस क्वेश्चन में? डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, फास्ट। भाई इधर आना था ना, कौन सी डायरेक्शन होती थी? नीचे साउथ, लेफ्ट मतलब वेस्ट, कौन सा हुआ? साउथ वेस्ट, खत्म। इतना सा ही तो था क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन मुझे मिले हैं लास्ट क्लास में, देखते हैं जल्दी से। हाँ राहुल, जस्ट अ मिनट, ठीक है क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं।
ये क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा गया है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा है। स्वास्तिक सिंह बेटा, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो जो आपने क्वेश्चन भेजा है इसमें सेकंड लाइन से पूरा ब्लर है, क्लियर नहीं है चीजें, तो आप प्लीज क्वेश्चन को एक बार दोबारा सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दो लोग हैं ए और बी, बोथ स्टार्ट्स वॉकिंग, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए और बी दो लोग हैं और एक ही पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, यहां से दोनों लोग चलना शुरू करते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। बोथ स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ए कवर्स 3 किलोमीटर एंड बी कवर्स 4 किलोमीटर। ए जो है वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, मान लो इसको हमने 3 माना था, बी जो है वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन ए टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, इसके बाद ए जो है राइट साइड में टर्न होता है। ए का राइट कौन सा होगा भाई, ए इधर जा रहा था, अगर आप सेल्फ अजम्पशन करते, ए इधर जा रहा था राइट साइड में टर्न होने का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। आप कहोगे ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में मतलब राइट साइड में जा रहा है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है, और लिख लिया हमने। While B turns left and walks 3 किलोमीटर, B left side में turn होता है, B इधर जा रहा था, इसका left मतलब ये भी ऊपर ही जाएगा, और इन्होंने कितना distance cover किया हुआ है, इन्होंने 3 किलोमीटर का distance cover किया हुआ। बोलिए ठीक है। How far is each from the starting point? दोनों ही अपने starting point से कितनी distance पर हैं? ये question में पूछा गया है। हमने ये last class में जो concept सीखा था direction और distance में, खास करके distance में जब हम आए थे, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि कभी भी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम इस तरीके से एक लाइन मान लीजिए ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस डायरेक्शन को, इस डिस्टेंस को सॉरी निकाल सकते थे। ये डिस्टेंस मान लो मैं इसको डी मानता हूं, तो आपको बच्चों डी ए निकालना था, डी ए निकालने के लिए, या डी बी बोल लो, जो भी बोल लो, इसको ओ बोल देते हैं, चलो ए भी तो पर्सन थे ना, तो डी ओ डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते, 4 किलोमीटर इधर चला था, 3 किलोमीटर इधर चला था, तो 4 और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 25 क्या आता, ओडी का स्क्वायर आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने सीखा था, ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर, -5 भी तो हो सकता था स्क्वायर रूट में लेंगे तो, भाई डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है इसलिए आप -5 नहीं लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको मानते हैं सी, सी की डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाती तो आप क्या बताते, सेम कॉन्सेप्ट लगाते, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 16 + 9 कितना आता 25 का मतलब फिर वही आता 5। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी थी, क्या कुछ ऐसा था जो आप नहीं कर सकते थे, है ना आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। रवि ने एक दिन घर छोड़ के निकलता है और 10 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन में जाता है, किधर, साउथवर्ड डायरेक्शन में, भाई स्टार्टिंग में कहीं पे खड़ा होगा, ये हमने पॉइंट माना। साउथ डायरेक्शन का मतलब आपको पता है कि आप नीचे की डायरेक्शन चले आओगे, कितना चल रहा है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपने बना लिया। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, आई थिंक आप सबको यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा कि एक दिन रवि एक इंसान है जो कि ओ से चलना शुरू करता है, इंसान ही है जो कि ओ से चलना शुरू करता है और डाउनवर्ड यानी साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर चलने के बाद वह राइट डायरेक्शन में एक टर्न लेता है। राइट का मतलब नीचे जा रहा था, आप राइट चलोगे तो उधर जाओगे, आप अजम्पशन करो तो आप इधर ही तो राइट पड़ेगा आपका, बिल्कुल राइट साइड में टर्न हुआ, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है राइट साइड में गया 5 किलोमीटर टर्न होके। इसके बाद बोला गया है फिर राइट साइड में टर्न होता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न होने का मतलब हमने सीखा था जब दो कॉन्सिक्यूटिव डायरेक्शंस, दो
कंसेक्यूटिव टाइम्स आप सेम डायरेक्शन में टर्न होते हैं तो आप एक्चुअल में अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। एक बार आप आ रहे थे, आपने राइट लिया, आप इधर चले, फिर आप आ रहे हैं, अब आप राइट लेंगे तो आप इधर जाएंगे। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव ऑपोजिट टर्न्स लेते थे तब आप सेम डायरेक्शन में आते थे, लेकिन अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव सेम टर्न्स लेते थे राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो आप अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते थे। जैसे यहाँ पर आपने एक बार राइट लिया फिर एक बार राइट लिया, तो पहले आप साउथ जा रहे थे तो अब आप नॉर्थ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही एक बार राइट एक बार लेफ्ट होता तो आप अभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा रहे होते, क्लियर है। उन्होंने कहा राइट साइड में टर्न लिया और राइट साइड में टर्न लेके कितना चला है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा जाता है एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में एक बार और टर्न हो रहे हैं और 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे वो डेस्टिनेशन उनका है जहां पे पहुंचे हैं, तो अगर उनको ए से ओ तक जाना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी जो उनको कवर करनी पड़ेगी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रवि हैव टू कवर टू रीच हिज होम, बताइए। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रवि को कवर करनी पड़ेगी अपने घर तक पहुंचने के लिए, शॉर्टेस्ट का मतलब आप सीधा चलोगे, ट्रेन इधर आ चुके हो आप, अब इधर आपको इधर जाना होगा तो आप सीधा चलोगे तो कितना डिस्टेंस चलोगे भाई, नीचे 5 था तो ये भी तो 5 होगा, कितना हो गया 10 + 5 = 15, आसान था। आप इस तरीके से डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आप कर सकते हैं, आप देखिए इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्लियर। ये सब आप सभी के बीच के जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था उनके ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपके भी कोई डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन भेजिए, या फिर कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। अदरवाइज आपके पास कोई और बुक हो तो आप वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, टीचर कितना सही पढ़ा रहा है कि गड़बड़ पढ़ा रहा है, बोलिए। दूसरे क्वेश्चन पर आया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला गया दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, दीपक ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, कितनी डिस्टेंस चलते हैं ये बोला गया 75 मीटर। दीपक कहीं पर है, मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, 75 मीटर की डिस्टेंस ये कवर करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 75 मीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, यहाँ से वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं, लेफ्ट का मतलब ऊपर जाएंगे, और ये 25 मीटर की डिस्टेंस और कवर करते हैं, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, 40 मीटर की डिस्टेंस चलते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न होकर 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, यहां से फिर एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर एक बार लेफ्ट का मतलब नीचे की डायरेक्शन में, और कितनी डिस्टेंस चलते हैं 40 मीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस चला है 40 मीटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लेफ्ट लिया था ना। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, यहां से फिर से एक बार लेफ्ट लेंगे और 25 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेंगे, लेफ्ट का मतलब किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, बहुत सही, कितना चल रहे हैं 25 मीटर, ठीक है। अब आपसे दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए स्टार्टिंग, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें यही पूछा गया है कि स्टार्टिंग से दीपक कितनी डिस्टेंस पर है अभी, भाई स्टार्टिंग यहाँ था ओ मान लेते हैं, अभी कहाँ पर है ए मान लेते हैं,
ओ से ए तक कितनी डिस्टेंस है, यही आपसे पूछा गया है। क्या कोई बच्चा निकाल के बता सकता है ओ से ए की डिस्टेंस कितनी होगी? जल्दी से बताइए ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी, फास्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से फटाफट आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए जल्दी। भाई लगना चाहिए कि आपने दो क्लास किया हुआ है। आप बैठ के नहीं सीख सकते कॉन्सेप्ट, आपको पेन पेपर यूज करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। जब आपके आंसर सही होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वैसे भी बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें क्या ही टाइम लगना है। चलिए लगाइए जल्दी से। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस चाहिए थी, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है डिस्टेंस में। हमने ये देखा था अगर कभी भी ट्रायंगल बनता है तो क्या स्ट्रेट डायरेक्शन हम निकाल सकते थे? हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था। हम क्या करते, हम यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते छोटा सा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया परपेंडिकुलर इस पे, ठीक है। इस पॉइंट को आप बी मान लो। अब हम क्या कर सकते थे कि अगर हमें OA की डिस्टेंस चाहिए थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, तो ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या OA डायरेक्ट लिखते हैं, OA इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां तक तो सबको पता था OB कितना था, O से B तक की डिस्टेंस कितनी थी 75, ठीक है 75 का स्क्वायर। A से B तक की डिस्टेंस कितनी थी जल्दी से बताएंगे, A से B तक की डिस्टेंस कितनी थी, क्या कोई बता सकता है? 22, ये 25 ऊपर था, टोटल 40 था, कितना बचा? ये 25 तक ऊपर आप गए थे, यहां से यहां तक की 40 थी, तो बचा कितना? 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे आप, 75 का स्क्वायर। भाई जल्दी बताओ, फिफ्टीन का स्क्वायर वाले नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इजी होता है, खास करके फाइव जिनमें लास्ट में होता है वो तो और आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। 75 का स्क्वायर निकालना था, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस 7 कर देंगे 56, खत्म। जिन डिजिट जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट 5 होते हैं उनके स्क्वायर निकालने का ये बहुत आसान सा तरीका होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 5625225 है, कितना आ जाएगा जल्दी से बताएंगे भाई? 5625 में 225 ऐड करिए, कितना आएगा? टू ट्वेंटी फाइव, मतलब ठीक है, फाइव एट फाइव जीरो आएगा आंसर, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक? स्क्वायर रूट में है 5850, आप आंसर निकाल लेंगे कितना आएगा। जी डेसिमल में जाएगा कुछ, आप ऑप्शन से आंसर टिक कर सकते हैं। अगर या तो डेटा एकदम करेक्ट होगा तब डेसिमल में कुछ दिया होगा, हो सकता है डेटा इधर उधर हो तब बात, क्योंकि लिख के भेजा गया था क्वेश्चन। अदरवाइज अगर ऐसे होगा तो 76 पॉइंट कुछ आएगा आपका, आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। 76 जो नियरेस्ट में होगा आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और क्वेश्चंस किया जाए? क्या सभी से क्वेश्चंस हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है आपसे क्वेश्चन ना हो पा रहे हो?
अगला क्वेश्चन है, गौरव वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। गौरव 20 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। एक पॉइंट फिर आप लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब आप ऊपर की डायरेक्शन चलाएंगे, 20 मीटर चल रहे हैं, जल्दी से आपने ये मार्क कर दिया। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, यहाँ से लेफ्ट साइड में टर्न लेते हैं, 40 मीटर की डिस्टेंस फिर कवर करते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब चलो ठीक है, नहीं नहीं भाई, अरे यहां से लेफ्ट टर्न लेते हैं और 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है, किधर साइड में, लेफ्ट साइड में, 40 मीटर मतलब ये हो गया, क्या हो गया भैया, फोर्टी मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। फिर आगे आपसे बोला गया है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, यहां से फिर एक बार लेफ्ट लेते हैं 20 मीटर, 20 मीटर का मतलब फिर से वहीं पे आ गए, वहीं भी मतलब उतनी ही हाइट पे, 20 मीटर्स फर्दर ही मूव्स 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू द राइट, यहां से एक राइट साइड में टर्न लेंगे, राइट किधर होगा, इधर, ठीक है, और 20 मीटर चलते हैं। नाउ योर क्वेश्चन इज फाइंड आउट हिज डायरेक्शन फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, उनके इनिशियल पॉइंट से उनकी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों निकाल के बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ गौरव फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन बच्चों कहाँ था, ये ओ था, अभी कहाँ पर हैं आप, ए पर हैं, डायरेक्शन कौन सी आप जा रहे हैं, ओ से ए देखिए कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, पहला पार्ट हो गया। आपसे डिस्टेंस पूछा गया, 20 इधर चले हो आप, 40 ऊपर चले हो, इसको ज्वाइन कर दो, कितना हुआ, 60 मीटर, बताइए इससे ज्यादा कुछ था क्वेश्चन में, क्या इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत थी क्वेश्चन में, नहीं ना, अगले क्वेश्चन पे आया जाए, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं, काफी सारे आसान आसान से क्वेश्चन कर ही चुके हैं आप। आपको एक फिगर दिया गया है, फिगर मैं आपके सामने बना देता हूं, ठीक है, बीच में कहीं एक पॉइंट आर माना गया है, ये ओ है, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस आपको 40 किलोमीटर दी गई है, ओ से पी तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर दी गई है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज डायरेक्शन डिस्टेंस ऑफ पी टू क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी से क्यू तक की डिस्टेंस जल्दी से निकाल के बताइए, ठीक है, देखिए अभी हमने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का 900 कितना हो जाएगा, 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 50, सो आप बड़े आराम से बता सकते थे कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस क्यू से पी तक की है, क्या ये सभी को क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे जिनको आपको प्रैक्टिस करना था,
डायरेक्शन और डिस्टेंस में इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लगाइए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।